नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच तनाव बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे कई छात्रों को चोट आई। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा था, लेकिन गुरुवार को स्थिति तब गंभीर हो गई जब NSUI, ABVP और अन्य छात्र संगठनों के नेता एक साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों का कहना है कि पिछले कई सालों से विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव कराने में विफल रहा है, जिससे छात्रों के अधिकारों का हनन हो रहा है। 17 जुलाई को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक के लिए दौसा पहुंचे। CP जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा उपचुनाव पर मंथन किया। इस दौरान CP जोशी ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। CP जोशी बोले, राहुल गांधी गोमांस खाता है और संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आता है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने आदिवासियों के बारे में दिए गए बयान को लेकर माफी मांग ली है, मगर इसके बाद भी ये विवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने मदन दिलावर की माफी को नाकाफी बताया और उनके इस्तीफे की मांग की है। कुछ दिन पहले निर्दलीय विधायक प्रवीण सिंह भाटी ने प्रदेश के बजट में शिव विधानसभा की अनदेखी करने का आरोप लगाया था और सदन में भजनलाल सरकार को जमकर घेरा था। अब उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक और मुद्दा उठाया और सरकार से राहत प्रदान कराने की मांग की है। भाटी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पश्चिमी राजस्थान में निरंतर अघोषित विद्युत कटौती हो रही है, जिससे आमजन बेहद परेशान है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी अघोषित विद्युत कटौती की समस्या चल रही है। मुख्यमंत्री महोदय और प्रशासन को अवगत करवाना चाहता हूं कि समस्या का समय रहते निदान करके आमजन को राहत प्रदान करें। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार और नगर परिषद हनुमानगढ़ पर चहेतों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए हनुमानगढ़ जंक्शन के नागरिकों ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और कहा कि जंक्शन के वार्ड 55 और 58 कच्ची बस्ती है और इन वार्डों में नगर परिषद अधिकारियों की मिली भगत से पक्के मकानों को योजना का लाभ दिया जा रहा है, जबकि जरूरतमंदों को योजना से वंचित रखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद अधिकारियों पर चहेतों को लाभ देने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच की मांग रखी। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में देर रात को अपराधी कैनरा बैंक का ATM उखाड़कर स्कॉर्पियो गाड़ी में डालकर ले गए। घटना की सूचना मिलने पर रावतसर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बैंक प्रबंधन के अनुसार ATM मशीन में करीब 16 लाख रुपए थे। वही पूरी वारदात CCTV कैमरे में भी कैद हुई। अपराधियों ने ATM कक्ष के अंदर के CCTV कैमरे पर स्प्रे करने के बाद वारदात को अंजाम दिया। वहीं भाल लगे कैमरे में करीब आधा दर्जन अपराधी ATM मशीन को उखाड़ कर ले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की नापाक हरकत सामने आई, जिसमें नक्सलियों द्वारा किए गए IED ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए। वहीं 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। ये जवान नक्सल एरिया में ऑपरेशन पर निकले थे। NEET UG पेपर लीक मामले में CBI ने अभी तक सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना एम्स के 3 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया। तीनों डॉक्टर्स को CBI अपने साथ ले गई। जानकारी के अनुसार तीनों डॉक्टर 2021 बैच के स्टूडेंट है। तीनों के रूम को भी CBI ने सील कर दिया। सूत्रों के अनुसार तीनों का लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के गोड्डा गोरखपुर रेलखंड पर मोतीगंज और जिलाही रेलवे स्टेशन के बीच चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे ने यह जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल के लिए रवाना हुए। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही ये साप्ताहिक ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरने के कारण किसी तरह के जान का नुकसान हुआ है या नहीं, इसकी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा ने हर पार्टी को समय दिया, लेकिन किसी ने भी अच्छा नहीं किया। जो भी आया उसने लूटा। पंजाब और हरियाणा का कल्चर मिलता है। केजरीवाल हरियाणा से आते हैं, केजरीवाल अब हरियाणा का हाल बदलेंगे। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।